सिरफिरे युवक ने 7 लोगों को खाबड़े से काटा, 2 की मौत, 5 गंभीर। यही खेत तो है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में थाना खानपुर क्षेत्र के परवाना गांव में सिरफिरे युवक ने किसानों और राहगीरों पर खाबड़े से जानलेवा हमला कर दिया। हमले के दौरान 1 महिला सहित 2 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जी रहे हैं। मक्के के खेत में काम करने के दौरान सिरफिरे को अचानक सनक चढ़ गई, जिसके बाद खेत में मक्का लगा रहे लोगों पर 1 के बाद 1 प्रहार, जिसकी वजह से 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सनकी युवक यही नहीं रुका, उसने किसानों के साथ साथ राहगीरों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने 5 घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर भेज दिया है, जहां सभी घायल जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना के बाद घायलों से मिलने SSP संतोष कुमार सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और सभी घायलों का हाल चाल जाना। इस बीच सिरफिरे युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। क्या नाम है तुम्हारा? बलवीर। पिता का नाम? श्रीराम सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? खानपुर माजरा। पुलिस द्वारा किसानों पर हमला किया गया, क्या पूरी घटना है, कितने लोग इसमें? देखिए, थाना खानपुर के माजरा गांव में एक मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब व्यक्ति के द्वारा फावड़ा लेके घर से निकला और रास्ते में जो लोग मिलते गए उनको घायल करता गया। कुल 7 लोगों को इसके द्वारा घायल किया गया, जिसमें से अब तक की जानकारी के अनुसार 2 लोगों की डेथ हो गई है और 2 जिला अस्पताल में आ गए हैं। शेष का इलाज PSC पे हो रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहाँ से वो भाग गया था मौके से। रास्ते में हमारी एक दूसरी टीम उधर से गुजर रही थी, भागते हुए आदमी को देख कर उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उसके शरीर से खून के छींटे थे, उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है और फावड़ा जिसका इस्तेमाल इसके द्वारा किया गया वो मौके पर है, पुलिस टीम वहाँ पे मौजूद है। एडिशनल SP CO वहाँ पे हैं, मैं जिला अस्पताल में हूँ घायलों के इलाज के लिए। अब इसमें 2 चीज़ उल्लेखनीय है, एक तो इसका किसी से कोई विवाद नहीं था, जो घायल हैं सब अलग अलग परिवार के हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में इसके द्वारा ये घटना की गई है।